जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपने चावल भी बनते हुए, और ये दाल जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे मम्मा ने तड़का लगा रही है, जिसमें अभी हम लेंगे ये क्या है, लहसुन ना, लहसुन है, इसमें जीरा डालेंगे और लाल मिर्ची। आप चाहें तो आप गोल वाली लाल मिर्ची है वो हमारे पास नहीं है, वो भी बहुत अच्छी टेस्ट देती है काली दाल में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो तड़का भी मम्मा तैयार कर रही है, उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी और जो पनीर वगैरह बनाऊंगी वो भी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो दाल में हमारी वही चीज़ें जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था वही हैं, और वो बड़ी बहुत हो चुकी थी वीडियो, इसलिए दाल को लगाने लगे तड़का स्टार्ट करनी पड़ी। दाल को तड़का लगा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए है लहसुन, एंड दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, लहसुन डाल दिया जी, और ग्रीन मिर्च मैंने पहले डाल दी, उसमें डाल दी, उसमें भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें डाल, हाँ जी उसमें डाल दी। चल ऐसे, और अब डालेंगे जीरा, जीरा जब ये ब्राउन हो जाए तब तो जीरा फिर जल जाता है, बिल्कुल एंड में डालना। चलो ठीक है, फिर इसमें डालो मम्मा जीरा, इसमें डालेंगे जीरा डाल दिया। जो भी दाल बहुत मजे की होती है, पता नहीं मजेदार होती है, बस आप लोग खाते हो, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं। दाल भी तैयार हो गई है यहाँ पे, बस दाल माशाल्लाह मरी हो गई तैयार। चलो तड़का भी तैयार हो गया, हरी मिर्ची भी डाल दी अभी तड़का। बंद करके ढकना डालते हैं, मतलब सारा जीरा वगैरह लगा हुआ ना, कर दिया। और देखे कितनी दाल हो गई माशाल्लाह, बिल्कुल गरम गरम। ये चम्मच के साथ भी खाओ तो बहुत मजा आता है, लेकिन मैं चावल बच्चे चम्मच के साथ भी खाते हैं हमारे, बिल्कुल। और इसमें हरी मिर्च देखें कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एकरा ने चावलों को अच्छे से धोकर भिगो के रख दिया है, कुछ देर तक इसको भिगोए रखेंगे। अब हम चावल की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन कर रही हूँ मैं प्याज, तो ये वाइट चावल है तो प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का लाइट सा कलर दूंगी। इसके बाद इसमें जीरा डालूंगी, फिर नमक, फिर पानी डाल के चावल डाल दूंगी। बहुत ही इजी से बन जाते हैं ये वाइट चावल होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी उबाल लेते हैं, लेकिन इसमें हम प्याज डालते हैं क्योंकि प्याज के साथ भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर आपको आगे आके दिखा रहा हूँ। बर्तन और मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रही है, ठीक है, और साथ साथ जो है इंशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी दाल भी और चावल भी और सैलेड भी, जब तक ये चावल तैयार कर रही हूँ। चावल में ही क्या काम करते हैं ना, किचन साफ रहता है, बिल्कुल। तो ये प्याज जो था ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको मैंने साइड पे रख दिया, इसका मैं सैलेड बनाऊंगी इसका, और प्याज लूंगी। प्याज अच्छे लगते हैं चावल के साथ, और खीरे टमाटर मुझे इतने ख़ास नहीं अच्छे लगते। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। चलें, तो पानी भी मैंने डाल लिए थे, दो गिलास चावल है, क्योंकि घर पर मैं, मम्मा और अम्मी मैं रिंग साइड में चौक से खाती हूँ, जिससे दो गिलास बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो चावल भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, ठीक है, मैं इनको बस अभी मैं इनको सब हमारे चावल भी शेक पर तैयार होने वाले हैं। ठीक है, जब बन जाएंगे फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने क्या किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों भी मसाला लगा कर रख दिया है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी से बन जाती हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये वाइट चावलों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने अभी फ्राई करनी है, 5 मिनट तक इस तरह मैं लगा के रखूँगी मसाला, उसके बाद मैं इसे कर लूँगी फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही यमी हो जाता है। तो फ्राई पैन मैंने रख लिया है, चावल भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखें फ्रेंड्स, हमारे चावल हो चुके हैं रेडी, अब हम लोग जाएंगे खाना खाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।